नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हॉरिजॉन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। लास्ट के लेक्चर में एमसीक्यू देखा था इंट्रोडक्शन टू मेट्रोलॉजी का, वो वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। उसमें मैंने डिटेल में लीस्ट काउंट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये सारे क्वेश्चन मैंने पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ कवर किए थे। आज के वीडियो में देखना है स्टैंडर्ड एंड कंपैरेटर के ऊपर के एमसीक्यूज। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। जैसे आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो कि फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेट ऑफ स्लिप गेज। स्लिप गेज का बॉक्स रहता है, उसमें अलग अलग थिकनेस के आपको स्लिप मिलते हैं। तो उसमें देखा जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे M45 है, M87 है, M112 है, M104 है। अगर आपने स्लिप गेज देखे तो उसमें M45 का भी सेट मिलता है, 87 का मिलता है, 112 का मिलता है, लेकिन ये जो ऑड है 104, ऐसा कुछ भी सेट अवेलेबल नहीं है। तो आपका आंसर क्या है, ये आंसर है आपका, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आता है कि द टू स्लिप गेजेस इन प्रिसीजन मेजरमेंट आर ज्वाइंट बाय। दो स्लिप होती है तो आपको उसको अगर ज्वाइन करना है तो वो आप कैसे करोगे, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन किया है। कि एक प्रोसेस रहती है कि जिससे आप क्या करते हो, कोई भी स्लिप गेज को क्या करते हो, ज्वाइन करते हो। जैसे कंसिडर करिए आप, ये स्लिप है आपका और एक उसके ऊपर आपने दूसरा एक स्लिप रखा है, ठीक है। तो इसको ज्वाइनिंग को एक प्रोसेस रहता है, उसको क्या कहते हैं, असेंबलिंग तो नहीं कहते हैं, स्लाइडिंग भी नहीं कहते, एडजेशन भी नहीं कहते, तो वो प्रोसेस को कहते हैं रिंकिंग, ठीक है। तो दो स्लिप गेज ज्वाइन करते टाइम जो प्रोसेस होती है उसको रिंगिंग कहते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, दोनों भी स्लिप गेज पहले परपेंडिकुलर 90 डिग्री में रखना पड़ता है, फिर उसको स्लाइड करके रोटेट, फिर उसको रोटेट करना पड़ता है, ठीक है। तो फिर वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे को अधेर हो जाते हैं, उसको रिंगिंग कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एसेसरी ऑफ स्लिप गेजेस। अभी स्लिप गेजेस में कैसा होता है कि स्लिप गेजेस के साथ और बहुत सारे एसेसरीज आते हैं, तो उसमें जो बोला है कि कौन से एसेसरीज नहीं है, तो एक एक देखते हैं। स्क्राइबर एंड सेंटर पॉइंट है। स्क्राइबर एंड सेंटर पॉइंट क्या रहता है कि एक ऐसा रेक्टेंगुलर ब्लॉक रहता है और उसके आगे ऐसा एक पॉइंट रहता है, उसको क्या कहते हैं, स्क्राइबर कहते हैं, ठीक है। सेम सेंटर पॉइंट भी ऐसे ही होता है। मेजरिंग जॉज क्या होते हैं कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है ऐसे, उसको अंदर हलो रहता है, आप उस पर उसके अंदर यहाँ पे स्लिप गेज रखते उसको उसका एक साइज बना सकते हो। होल्डर भी सेम ऐसे ही होता है होल्डर। फिर उसके बाद है कैलिपर्स कहाँ पे यूज होते हैं, आपको कैलिपर्स पता होना चाहिए, ऐसे कुछ तो कैलिपर्स होते हैं, इसको आपको यहाँ पे एक स्क्रू रहता है, ठीक है। तो ये कैलिपर्स आपका आंसर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एसेसरी ऑफ स्लिप गेजेस, कैलिपर्स। फिर उसके बाद द कॉस्ट इन लाइन स्टैंडर्ड। अभी जैसे आपको पता है कि लाइन स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड एंड वेवलेंथ स्टैंडर्ड तीन होते हैं। लाइन स्टैंडर्ड का आपका एग्जांपल क्या है, स्टील रूल है। उसके बाद एंड स्टैंडर्ड का आपका एग्जांपल है वर्नियर, और वेवलेंथ स्टैंडर्ड का आपका क्रिप्टॉन 86 का लाइट सोर्स है। कैसे होता है कि यहाँ पे आपको स्किल नहीं लगती है, यहाँ पे आपको स्किल लगती है, यहाँ पे भी। तो क्या है बेसिकली कि कॉस्ट देखा जाए कि स्टील रूल का कॉस्ट क्या होता है, कम होता है। तो आपका ऑप्शन आंसर ही क्या रहेगा, आपका ये आंसर रहेगा कॉस्ट इन लाइन स्टैंडर्ड इज लो, ठीक है। उसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेम ऑफ स्लिप गेजेस। गेज ब्लॉक कहते हैं उसको, जॉनसन गेजेस, गेज ब्लॉक और लीनियर गेजेस। अभी इसमें क्या है, जॉनसन गेजेस उसको नहीं कहते हैं, गेज ब्लॉक्स भी कहते हैं आप उसको, लेकिन ये आपका आंसर है जॉनसन गेजेस। फिर उसके बाद है फॉर सेटिंग एंगुलर वर्क ऑन ग्राइंडिंग मशीन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड। ग्राइंडिंग मशीन का जो भी टेबल रहेगा, ठीक है, अगर आपको कोई जॉब है उसको क्या करना है, एंगल में रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले स्लिप गेज रखना पड़ेगा। यहाँ पे स्लिप गेज के ऊपर आप क्या करोगे, आपका साइन बार रखने के बाद उसके ऊपर क्या करोगे, आप यहाँ पे आपका जॉब रखोगे। तो फॉर सेटिंग एंगुलर वर्क ऑन गाइडिंग मशीन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज। स्लिप गेजेस लिखा है उन्होंने, साइन बार लिखा है, माइक्रोमीटर रखा है, क्लिनोमीटर रखा है। अभी इसमें कैसा है देखो, माइक्रोमीटर तो बिल्कुल यूज नहीं होता है, क्लिनोमीटर भी यूज नहीं होता है। अभी कैसा है देखो, यहाँ पे स्लिप गेज भी आपका आंसर है और साइन बार भी आंसर है, ऐसे नहीं होगा। तो क्या होगा, आपके जगह पे एक ही आंसर होगा, यहाँ पे एक तो साइन बार रहेगा, नहीं तो स्लिप गेज नहीं रहेगा, नहीं स्लिप गेज रहा तो साइन बार नहीं रहेगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप सिंगल स्लिप गेज का यूज करके भी कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, और आपको साइन बार यूज करना है तो आपको स्लिप गेज और उसके साथ डायल इंडिकेटर भी यूज करना पड़ता है, ठीक। फिर उसके बाद आता है
क्वेश्चन, यहाँ पे आपका थर्ड चैप्टर स्टार्ट होता है लिमिटेड फिट्स एंड टॉलरेंसेस, तो ये चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।